नमस्कार सभी को, और आज की इस कार्यशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग क्लासेस में तो बहुत कुछ सीखते ही हैं, राग, बंदिशें, ख्याल, चतुरंग, तराना, ठुमरी, टप्पा, सब कुछ सीखते हैं। लेकिन आज हम लोग ने एक कुछ विशेष प्लान किया है कि हम आपको कुछ गीत सिखाएं। तो गीत भी जो है, हम लोग सुगम संगीत के अंतर्गत इसको हम रख सकते हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत, ये तीन कैटेगरी में हम इसको बांटते हैं संगीत को। उसके अलावा लोक संगीत और फिल्म संगीत, वो तो अलग है ही है। तो सुगम संगीत के अंतर्गत हमारा आता है गीत और भजन, ठीक है। तो आज हम लोग भजन में जो हमारे संत कवि होते हैं उनके भजन हम लोग गाते हैं, और गीत में हमारे जो साहित्यकार हुए हैं जैसे महादेवी वर्मा जी, हरिवंश राय बच्चन जी। आवाज मेरी आ रही है सही से ना सबको? जी, तो महादेवी वर्मा जी, हरिवंश राय बच्ची और इसके अतिरिक्त गोपाल दास नीरज जी, मैथिली शरण गुप्त जी, जो भी हमारे और भी साहित्यकार बहुत सारे हुए हैं, तो उनकी रचनाओं को हम लोग स्वरबद्ध करके अगर गाते हैं तो उनको हम गीत कह सकते हैं। तो आज मैंने कुछ गीत सेलेक्ट किए आप लोगों के लिए, जिसमें सबसे पहले मैंने सोचा है महादेवी वर्मा जी का एक गीत। महादेवी वर्मा जी की जो रचनाएं हैं वो असल में बड़ी गेय है, गेय मतलब बहुत छंदबद्ध और तालबद्ध इतने अच्छे से होती है कि उसको गाने में बहुत इजीली आप उसको गा सकते हैं, उसको बहुत शब्दों को बैठाना नहीं पड़ता है। तो आप लोग को एक PDF मैंने भेजा है, उसमें देखिएगा, गीत है वर्मा जी की कविता, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी, ठीक है। तो मेरा नाम भी इसमें है इसलिए मुझे बहुत प्रिय है ये रचना। चलिए, किसी का माइक ऑन है प्लीज उसको म्यूट कर लीजिएगा। स्केल हम लोग ने लिया है A#, कोई घर में अगर तानपुरा लगाता है तो वो A# पे तानपुरा ट्यून कर सकता है, और तानपुरे पे सा और मा हम लोगों को लगाना है। सा मा, आ किसी को कुछ बोलना होगा बीच में तो वो माइक ऑन करके मत बोलिएगा, कुछ मैसेज में चैट में लिख दीजिएगा, ठीक है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, हो सकता है कुछ लोगों ने ये पहले सीखा हो, तो हम इस नई पुरानी कुछ रचनाओं को मिला के सिखा रहे हैं ताकि कुछ जो सीखा है उसका रिवीजन हो जाए और जो नहीं सीखा है उसको आ जाए, ठीक है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। अंतरा, नींद थी मेरी अचल, निस्पंद कण कण में नींद थी मेरी
चल निस्पंद कण कण में। प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। प्रलय प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में। शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। कौन भी हो कौन हीन प्रवाहिनी भी हो कूल बोलते किनारे को, मतलब किनारा भी हूं और किनारा तोड़ के बहने वाली भी हूँ। दो दो इसमें भाव आ रहे हैं पूरा। ताल है रूपक ती ती ना धी ना धी ना ती ना धी ना धी ना, सात मात्रा। ठीक है, तानपुरा तो सबको आ रहा है, आवाज आ रही होगी ना, ती ती ना धी ना धी ना ती ना धी ना धी। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी राह गिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। अंतरा नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में। अचल निस्पंद कण कण में। म्यूट कर लो। प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। प्रलय जीवन में शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। कौन भी हो कौन हीन प्रवाहिनी भी हो।
वीन भी हो मैं तुम्हारी रागिनी भी नेक्स्ट संतरा नयन में जिसकी जलद वह त्रिषित चातक हो शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हो फूल को पुर में छिपाए बिकल बुलबुल हो एक हो कर दूर तन से छाह वह चल हो दूर तुम से अखंड सुहागिनी भी बीन भी हो मैं तुम्हारी रागिनी भी नेक्स्ट अंतरा आग हो जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के माने आग भी हूं हिम जल भी शून्य हो जिस क्यों बिछे है फिर से शून्य हो जिसको बिछे है पाबड़े पल के पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रसर में हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के पुर में नील छन भी हो सुनहरी दामिनी भी हो
बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी लास्ट संतरा नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी कुछ शब्द छोटा होगा तो उसको ऐड कर लेना त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी तार भी आघात भी झंकार की गति भी पात्र भी मधु भी मधुप भी मधुर विस्मृति भी अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ एक बार साथ में पूरा गाना बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में शाप हो जो बन गया वरदान बंधन में शाप हो जो बन गया वरदान बंधन में कौन भी हो कौन ही न प्रवाहिनी भी
वीर भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ तुम्हारी, रागिनी भी हूँ तुम्हारी, रागिनी भी ठीक है। बहुत चलिए सुंदर। हाँ एक जन तो ताली बजाए अनुपमा जी। सुंदर। ये मेरी कंपोजिशन है, ठीक है, स्वर में मतलब स्वरबद्ध मैंने किया है, और महादेवी वर्मा जी के शब्द है, इतने सुंदर शब्द है इसके, अगर इसको कोई समझ के गाए तो बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर गाया अभी आपने, बहुत सुंदर है। धन्यवाद। बहुत अच्छा ही इसका आपने बनाया है मैम, सच में थैंक यू। मैं तो हम लोग पहले सीखे हैं तो मैं इसको रिकॉर्ड भी करी। आप सीखी है पहले? हाँ मैं इसको रिकॉर्ड भी करी अपनी वॉइस में। यानी सभी लोग सीखे मैम, जितने पुराने लोग हैं सभी सीखे। हाँ पुराने लोग सीखे हैं, वही मैंने बोला ना कि कुछ कुछ चीजें पुरानी रहेंगी जो रिवाइज हो जाए, क्योंकि ऐसे तो गीत बैठ के जनरली कोई गाता नहीं है घर में, कुछ जरूरत पड़ती तभी गाता है, राग तो तभी प्रैक्टिस हो जाती है, गीत वगैरह का बहुत प्रैक्टिस नहीं हो पाती है ना मैम। जो लाइव होता है उसमें हम ये तो गा सकते हैं ना, ये क्यों सब नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल। इसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ अभी वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, शुभंकर जी कर रहे हैं, यूट्यूब में अपलोड भी कर देंगे और रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट गाना हम लोग करते हैं। रिकॉर्डिंग मैम बहुत अच्छा हुआ था मैम, इसमें ताली बजाने वाला ऑप्शन जा ही नहीं रहा है, बहुत ही अच्छा हुआ था मैम। अच्छा धन्यवाद। ताली बजाने वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है मैम, जा ही नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या हो गया है, मैं तब से कोशिश कर रही हूँ। लेकिन वीडियो में दे सकते हाँ मुझे भी प्रॉब्लम आ रही थी पर मैंने अभी किया है। अच्छा अच्छा हाँ जी, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, थैंक यू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट गीत चलते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी का। आप लोग सभी लोग जानते होंगे हरिवंश राय बच्चन जी कौन है। अमिताभ बच्चन के बहुत अच्छे से अमिताभ बच्चन के पिताजी, बहुत अच्छे से मधुशाला उनकी थी, मधुशाला उनका बहुत फेमस है, फेमस तो है। उनका गीत है अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। ठीक है, तो एक दिन मैं मूर्छना का आप लोग को समझा रही थी ना, तो उसमें मैंने मधु कौंस और चंद्र कौंस की मूर्छना बताई थी ना। हाँ तो ये उसी आधार पे मैंने कोशिश की है ये भजन सॉरी ये गीत कंपोज करने की। इसमें मधु कौंस से ये भजन गीत शुरू होगा, उसके बाद चंद्र कौंस अंतरे में आएगा, फिर वापस में मधु कौंस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग गीत भजन वगैरह जब गाते हैं या लाइट म्यूजिक, तो बहुत राग उसमें कोई पर्टिकुलर एक राग बद्ध उसको नहीं कह सकते, थोड़ा मिक्स ही रहता है। तो इस वाले में चंद्रकौश और मधुकौश दोनों ही थोड़ा थोड़ा यूज हुआ है, मैं बता भी दूंगी कहाँ कहाँ क्या यूज हुआ है, और बाकी आप लोग खुद से समझ भी जाएंगे। और गीत भजन गाने के लिए किसी को ऊंचा नीचा जैसा भी गाना हो अपने अनुसार स्केल चेंज कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे किसी को लगता है ऊंचा और गाना चाहिए तो वो अपना ऊंचा स्केल ले सकता है, किसी को लगता है नीचा करना चाहिए तो वो नीचा कर सकता है ऐसा। तो पहला वाला गीत जो था वो हमने म से गाया, अपने सा मा करके गाया था, ये वाला सा प से ही है। तो मधुकौंस के जो स्वर हैं, ऐसे मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रही हूँ, सा कोमल ग म तीव्र म नी कोमल नी सा नी प म ग नी ग सा। ठीक है, गनी कोमल म तीव्र सा ग म प नी सा नी प म ग सा। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन
कौन बैठा है अंधेरी रात में। इसका ताल है दादरा ताल। थोड़ा सा आप चाहे तो कर सकते हैं। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है अंधेरी रात में। अंतरा उठी ऐसी घटा नभ में छिपे सब चांद ओ तारे उठी ऐसी घटा नभ में छिपे सब चांद ओ तारे उठा तूफान उठा तूफान वह नभ में यहां से चंद्र कौन सा गया धनी सागनी गसा सानी धामा गमध गमा गसानी सागा सा चंद्र कौन सा स्वर है सागा कोमल गा मा शुद्ध मा धा कोमल धा नी शुद्ध नी सा सानी धा मा गा सा सागा मा धा नी सा तो उठा तूफान वहन भमे गए बुझ दीप भी सारे मगर इस रात में यहां तक चंद्र कौन से मगर इस रात में भी मधुकोश वापस लो जगाए कौन बैठा है अंधेरी रात में ताल दादरा वेरिएशन उसमें गजल का वेरिएशन आता है उसको लगा सकते हैं ठीक है और बीपीएम है धा धी ना धा तू ना धा धी ना धा तू ना कुछ लोग तूना भी बोलते हैं कुछ लोग तीना भी बोलते हैं धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा धू ना धा तू ना एक दो तीन चार पाँच छ एक दो अंधेरी रात में एक दो अंधेरी रात मेरा पे समा जाना चाहिए अंधेरी रात में अंधेरी रात में
थैंक यू. अंधेरी रात में रात में रात में रात में अंधेरी रात में अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है. अंधेरी रात में जब हम लाइट म्यूजिक गाते हैं तो उसका उच्चारण का बहुत फर्क होता है क्लासिकल म्यूजिक से. मैंने ख्याल वगैरह जब हम गाते हैं उसका उच्चारण डिफरेंट होता है. ठुमरी गाते हैं उसका उच्चारण अलग होता है और लाइट म्यूजिक का उच्चारण एकदम अलग होता है. उसमें शब्दों को पूरा पूरा नहीं बोलते हैं, उसको थोड़ा हल्का करके बोलते हैं. अंधेरी रात में ऐसा करके, अंधेरी रात में ऐसे पूरा पूरा नहीं बोलेंगे, है ना, फिर वो क्लासिकल लगेगा. तो उच्चारण से काफी फर्क पड़ जाता है शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का, इसलिए उसको हल्का करके उच्चारण को बोलिएगा. अंधेरी रात में रात में अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है. अंधेरी रात में दीपक जलाए, म्यूट कर लीजिए. उठी ऐसी घटा नभ में, उठी ऐसी घटा नभ में छिपे सब चांद हो तारे. उठी ऐसी घटा नभ में छिपे सब चांद हो तारे. उठा तूफान वह नभ में, उठा तूफान वह नभ में गए बुझ दीप भी सारे. मगर इस रात में भी लो जगाए कौन बैठा है. अंधेरी रात में सागमापा मापनी पामापा सागमा पा पनी पमा पा पसनी मन पा पमा सामा गनी गा ने सागमा पा ने सागमा पा ने सागमा पा गगन में गर्व से उठ उठ. सरगम गाना जरूरी नहीं है, अगर जिसको अच्छा लगे बीच में गा भी सकता है. गगन में गर्व से उठ उठ गगन में गर्व से घिर घिर गगन में गर्व से उठ उठ गगन में गर्व से घिर घिर गरज कहती घटाए है. गरज कहती घटाए है
अंधेरा नहीं होगा उजाला फिर नहीं होगा उजाला फिर मगर चिर ज्योति में मगर चिर ज्योति में निष्ठा जगाई कौन बैठा है निष्ठा बोलेगी कि मैं तो बैठी हूं अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है अंधेरी रात में तिमिर के राज का ऐसा तिमिर माने अंधेरा कठिन आतंक छाया है महादेवी वर्मा जी के वर्ड्स और इनके वर्ड्स में देखिए बहुत अंतर आपको समझ में आएगा वो सॉफ्ट वर्ड्स थे ठीक है इनके वर्ड्स हार्ड वर्ड है लेकिन अच्छे माने सुंदर बहुत है लेकिन इसकी अलग ब्यूटी है तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है उठा जो शीश सकते थे उन्होंने सिर झुकाया है मगर विद्रोह की ज्वाला जगाई कौन बैठा है अंधेरी रात में आ प्रलय की रात में सोए प्रणय की बात क्या कोई मतलब प्रलय है एकदम सब कुछ अष्ट नष्ट भ्रष्ट खत्म होने वाला है उसमें प्रणय की बात क्या कोई सोच सकता है मतलब प्रेम प्यार की बात कोई सोच सकता है मगर पढ़ प्रेम बंधन में लेकिन प्रेम के बंधन में पढ़ के समझ किसने नहीं खोई किसी के पंथ में पलके बिछाए कौन बैठा है प्रलय की रात में सोए प्रणय की बात क्या कोई मगर पढ़ प्रेम बंधन में मगर पढ़ प्रेम बंधन में समझ किसने नहीं कोई किसी के पंथ में किसी के पंथ में पलके बिछाए कौन बैठा है
अंधेरी रात में। अच्छा ये कुछ शब्द कुछ अलग हो गए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से मैं भेज दूंगी इस वाले गाने का पीडीएफ दोबारा से। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में, ये वाला एक बार साथ में एक अंतरा गा लो। अंधेरी रात में, रात में, रात में, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में उठी ऐसी घटा नभ में, उठी ऐसी घटा नभ में, छिपे सब चांद ओ तारे, छिपे सब चांद ओ तारे, उठा तूफान वह नभ में, उठा तूफान वह नभ में, गई बुझ दीप भी सारे। मगर इस रात में भी, मगर इस रात में भी लौ लगाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में, अंधेरी रात में, अंधेरी रात। मैम बहुत अच्छा हुआ, दूसरा वाला भी बहुत अच्छा हुआ, खूबसूरत। ये भी मेरी कॉम्पोजिशन है, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए थैंक यू, अब हम लोग चलते हैं। कौन सा करें, नीरज गोपाल दास, नीरज का एक है और है एक और नीरज का है, एक और नीरज का। अच्छा अब जो तीन गीत और बचे हैं वो है गोपाल दास नीरज के, ठीक है, ये थोड़े आधुनिक कवि हैं अभी, मतलब आधुनिक मैंने इतना भी नहीं, अभी कुछ 2-3 साल पहले शायद उनकी डेथ हुई है गोपाल दास नीरज जी की। ये हम लोगों का एक जो सीडी है ना अपनी बानी प्रेम की बानी, उसका जो टाइटल सॉन्ग है वो गोपाल दास नीरज जी का ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं इस वाले पे, निदिया बैरन सुध बिसराई, तेज निगोड़ी करे डिटाई, ताना मारी सौत जुन्हाई, रह रह प्राण पिरात, चुभन की बात न करना आज बसंत की रात। ये है राग शिवरंजनी बेस्ड, ठीक है, शिवरंजनी के स्वर सबको पता है, कोई बताएगा? कौन बता रहा है शिवरंजनी के स्वर बताइए, कोई नहीं बता रहा है? क्या बात, तो यानी भूपाली के स्वर सारे ग प ध सा, लेकिन कौन सा स्वर कोमल, ग कोमल, ठीक है कोमल, तो सा, लेकिन इसमें मिश्र है, मिश्र शिवरंजनी है, अलग अलग स्वर बीच में लगेंगे पर बेस शिवरंजनी पे है। सा, कुछ लोग बहुत नए हैं उनको बहुत सारे राग नहीं पता है, कोई बात नहीं, गीत गाने के लिए आपको बहुत रागों को पहचानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बता इसलिए दे रहे हैं कि कभी ये राग सीखोगे तो याद रहेगा कि अच्छा ये गीत हमने सीखा था शिवरंजनी में।
सारे गारा सा रे ध पध सारे गरे गरे ध गरे ग सारे ध पध ध सा। इसमें बहुत सारे फिल्मी गाने जाने कहां ये वाला एक है और मेरे नैना ये है, मतलब ये एकदम फेमस वाले जो है वो बता रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे गाने हैं, ठीक है। राग पहचानने में सुविधा होगी, कुछ लोग फिल्मी गानों से ही राग पहचानते हैं तो उन लोग के लिए सुविधा होगी, सब लोग ऐसा नहीं है। चलिए सुध बिसराई निदिया बेरन सुध बिसराई सेजनी गोड़ी करे ढिठाई इसका स्केल क्या है अभी जो गाना ए शार्प रखा है मैंने और प पे ही है तानपुरा, ठीक है। सेजनी गोड़ी करे ढिठाई ताना इसमें अलग स्वर हुआ सारे गा शुद्ध गा लगा ताना मारे सौत जुन्हा ताना मारे सौत जुन्हाई रह रह प्राण पिरात चुभन की बात न करना आज वसंत की रात आज वसंत की रात इसका ताल है भजन का ठेका जो होता है मैंने कहरवा कहरवा ताल तो भजनी ठेका में इसको हम लोग आ सकते हैं आठ मात्रा में मतलब एक मिनट एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ एक दो तीन चार निदिया बेरन सुध बिसराई निदिया बेरन सुध बिसराई सेजनी गोड़ी करे ठिठाई सेजनी गोड़ी करे ठिठाई ताना मारे सौत जुन्हाई ताना मारे सौत जुन्हाई
रह रहे प्राण पिरात, रह रहे रह रहे प्राण पिरात, जो घन की बात ना करना, आज वसंत की रात, धूल बिछाए फूल बिछाना, बगिया पहने चांदी सोना, धूल बिछाए फूल बिछोना, बगिया पहने चांदी सोना, कलिया फेंके जादू टोना, कलिया फेंके जादू टोना, महक उठी सब पात, हवन की बात ना करना, आज वसंत की रात, यह पीली चूनर ये चादर, वसंत में गा सकते हैं इसमें आप लोग, यह पीली चूनर यह चादर, यह सुंदर छवि यह रसगागर, यह सुंदर छवि यह रसगागर, जन्म मरण की यह रज कावर, जन्म मरण की यह रज कावर, सब भूखी सौगात, सब भूखी सौगात, गगन की बात ना करना, आज वसंत की रात, पूरा गाएंगे एक बार साथ में, चलिए, बिंदिया बैरन सुध बिसराई, बिंदिया बैरन सुध बिसराई, सिजनी गोड़ी
करे ढिठारी सेजनी वाड़ी करे ढिठारी ताना मारे सत जुनाई ताना मारे सत जुनाई रह रह प्राण पिरात रह रह प्राण पिरात चुभन की बात न करना आज वसंत की रात। इसके बाद म्यूजिक वगैरह रहेगा तो बजेगा, हारमोनियम बजा कोई गाता है तो थोड़ा पीस बजा सकता है। फिर धूल बिछाए फूल बिछोना धूल बिछाए फूल बिछोना बगिया पहनी चांदी सोना बगिया पहनी चांदी सोना कलिया फेंके जादू टोना कलिया फेंके जादू टोना महक उठी सब पात महक उठी सब पात हवन की बात ना करना आज वसंत की रात। यह पीरी चूनर यह शादर यह पीरी चूनर यह चादर यह सुंदर छवि यह रसगागर यह सुंदर छवि यह रसगागर जन्म मरण की यह रचकावर जन्म मरण की यह रचकावर सब भूखे सौगात सब भूखे सौगात। इसके बाद तुरंत पकड़ना है लास्ट वाली लाइन। हाँ सब भूखे सौगात गगन की बात ना करना आज वसंत की रात। इस गाने में तानपुरे पे प रहेगा मा नहीं प। आप लोगों में से कोई जो स्क्रीन सब लोग कमेंट्स लिख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट थोड़ा कोई लेके हमें भेज दीजिएगा बाद में। अभी हम सारा पढ़ नहीं पा रहे हैं, बाद में पढ़ लेंगे आराम से। ठीक है निदिया वेरन सुध बिसराई निदिया वेरन सुध बिसराई सिजनी गोड़
जोड़ी करे झिठाई, सेजनी वाड़ी करे झिठाई, ताना मारे सौत जुनाई, ताना मारे सौत जुनाई, रह रह प्राण पिरात, रह रह प्राण पिरात, चुभन की बात ना करना, आज वसंत की रात, आज वसंत की रात, आज वसंत की रात। ठीक है, ये वाला शायद पहले नहीं सीखा होगा कोई भी ना, मुझे ऐसा लगता है। मैम ये बहुत सुंदर था, ये फर्स्ट टाइम सीखे ना, सुंदर हम लोग, बहुत अच्छा मैम। ये भी मेरी कॉम्पिटिशन नहीं सीखा था, ठीक है, पहली बार नहीं मैम, बहुत मैं पहले गाने पर था क्या कि रो रो रहना बिताए पिया नहीं आए। हाँ शिव रंजनी में वो भी है, रो रो नैन गवाई पिया नहीं आए। तो शिव रंजनी जो है उसमें लाइव सुंदर था, लेकिन बहुत सारी होती है, ठीक है। तो ये शिव रंजनी बेस था, मिश्र शिव रंजनी कह सकते हैं इसको हम लोग। हाँ जी चलिए अगले गीत की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं, जो कि है गोपाल दास नीरज जी का ही है, साधो हम चौसर की गोटी। ठीक है, दो बच्चे हैं मैम। अच्छा और वो वाला एक एक और है, कौन सा बताया था मैंने, स्वप्न में तुम हो, तुम ही हो जागरण में, ये सीखा है हरिवंश राय बच्चन जी का। ये नहीं सीखा। ये दोनों करा देती हूँ, चलिए। साधो हम चौसर की गोटी, साधो हम चौसर की गोटी, ठीक है इसको प पे ही रहेगा ये तानपुरा। साधो हम चौसर की गोटी, इसको आप निर्गुण भजन के रूप में भी कहीं गा सकते हैं। कोई गोरी कोई काली, कोई बड़ी कोई छोटी, चौसर जानते हैं ना आप लोग, चौसर कौन सा गेम होता है, जुआ टाइप का कोई खेल होता है वो ऐसे करके फेंकने, पहले शतरंज, शतरंज जैसा मान सकते हैं हम लोग। हाँ शतरंज जैसा, लेकिन महाभारत में खेलते थे। हाँ महाभारत में खेलते थे, सफेद और काली गोटियां रहती है, चौपड़ भी होता है, चौपड़ भी बोलते हैं, चौपड़। हाँ हाँ, तो एक तो है ये लेखक का मतलब ये है, दो अर्थ है इसमें ना, ई चौसर की गोटी कोई गोरी होती है, माने कोई सफेद होती है कोई काली होती है, वैसे ही जीवन भी है पूरा चौसर की गोटी जैसा ही है एक, जिसमें कोई गोरा है कोई काला है, कोई ये है, कोई पिटकर कोई बसकर, कोई रोकर कोई हंसकर, कोई हंस के खेलता है कोई रो के खेलता है, पर खेलना ही पड़ता है, कोई पिट जाता है माने गोटी पिट जाती है ना उसमें, और कोई जीत जाता है, सभी खेले ढीठ खेले ये, चाहे मिले ना रोटी। ठीक है,
मतलब ये खेल जो है सबको खेलना ही पड़ता है, जो अच्छे से खेलता है कोई खराब से खेलता है, ये मतलब हुआ कि उसको आप अच्छे तरीके से जीवन को वो करें, चाहे रोते पिटते ऐसा करें या हंसते खेलते खिल खिलाते करें। ठीक है, चलिए। साधो ये लास्ट ईयर सिखा हम चौसरे की गोटी, कोई गोरी कोई काली, कोई गोरी कोई काली, कोई बड़ी कोई छोटी, कोई बड़ी कोई छोटी, साधो हम चौसर की गोटी, कोई पिट करे कोई बस करे, कोई रो करे कोई हंस करे, सब ही खेले धीत खेले यहाँ, चाहे मिले ना रोटी, चाहे मिले ना रोटी, हम चौसर की गोटी, साधो हम चौसर की गोटी। ताल के साथ इसमें भी आठ मात्रा का ही ताल बजेगा, तो भजन का ठेका हम लोग लगा सकते हैं, कहरवा का वेरिएशन मतलब बजेगा। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एक दो, साधो धो पे समारा हा, तो एक दो तीन चार पांच छ, साधो हम चौसर की गोटी, साधो हम चौसर की गोटी, कोई गोरी कोई काली, कोई गोरी कोई काली, कोई बड़ी कोई छोटी, कोई बड़ी कोई छोटी, साधो हम चौसर की गोटी, साधो कोई पिट करे कोई बस करे, कोई रो करे कोई हंस करे, सब ही खेले धीत खेले यहाँ,
सब ही खेले धीत खेले यहाँ, चाहे मिले ना रोटी साधो, हम चौसर की गोटी साधो। एक एक दाब की एक एक फंदा, दांव पेच फंदा ये सब चलता रहता है ना बहुत तरह का, तिकड़म तीन पांच। एक एक दाब की एक एक फंदा, एक एक घर है गोरख धंधा, एक एक दाब की एक एक फंदा फंदा। फंदा 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 फंदा। एक एक दाब की एक एक फंदा, एक एक घर है गोरखधंधा, हर तकदीर यहाँ है जैसे, यहाँ है जैसे, हर तकदीर यहाँ है जैसे। तकदीर सबकी कैसी है? कूकर के मुंह बोटी, जैसे कुत्ते को कभी कभी तकदीर से भाग्य से बोटी मिल जाती है, उसका मुख्य खाना तो वही है ना, तो ये मतलब हुआ। इसके शब्द एकदम जैसे एकदम प्रहार करने वाली भाषा में लिखा है, लेकिन जीवन की जो सच्चाई है उसको वो करने के लिए किया गया है। कुकर के वो बोटी साधो, हम चौसर की गोटी साधो। बिछी बिसात जमा जब तक पड़े, जब तक आपका वो बिछा है बिसात मतलब गेम जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, तब तक ही सारी यह भगदड़े, बिछी बिसात जमा जब तक पड़े, तब तक उसके बाद क्या होता है? फिर तो खलीता सबकी बांधे, बांधे 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 बांधे, फिर तो खलीता सबकी बांधे,
बांधे गठरी मोटी मोटी गठरी मोटी मोटी साधु हम चौसर की गोटी साधु हम चौसर की गोटी कोई गोरी कोई काली कोई गोरी कोई काली कोई बड़ी कोई छोटी कोई बड़ी कोई छोटी हम चौसर की गोटी साधु हम चौसर की गोटी साधु 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 हम चौसर की गोटी साधु हम चौसर की गोटी साधु 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 हम चौसर की गोटी लास्ट एक सेकेंड ये लास्ट वाला जो सॉन्ग है एक स्केल हम लोग ऊंचा कर लेते हैं थोड़ा लगता है शायद वो थोड़ा नीचे है बी कर लेते हैं ठीक है ये वाला भी हमारा है हरिवंश राय बच्चन जी का ठीक है सीख के दोनों गीत अमिताभ बच्चन जी को ट्वीट कर देना ठीक है स्वप्न में तुम हो तुम ही हो ठीक है स्वप्न में तुम हो तुम ही हो जागरण स्वप्न में तुम हो तुम ही हो जागरण में ये थोड़ा झिंझोटी पे बेस्ड है और ताल है रूपक ती ती ना दी ना दी ना दी दी ना दी ना दी स्वप्न में तुम हो तुम ही हो जागरण में स्वप्न में तुम हो तुम ही हो जागरण कब उजाले में मुझे कुछ और भाया
कब उजाले में मुझे कुछ और भाया, कब अंधेरे में तुम्हें मुझसे छिपाया, कब अंधेरे में तुम्हें मुझसे छिपाया, तुम निशा में हो तुम्हें प्रातः किरण में, स्वप्न में तुम हो तुम्ही हो जागरण, अंतरा फिर से, कब उजाले में तुम्हें, सॉरी मुझे, कब उजाले में मुझे कुछ और भाया, कब अंधेरे में तुम्हें मुझसे छिपाया, तुम निशा में, तुम निशा में हो तुम्हें प्रातः किरण में, स्वप्न में तुम हो तुम्ही हो जागरण में, स्वप्न में तुम हो तुम्ही हो जागरण, आगे से जो कही मैंने तुम्हारी थी कहानी, फिर से, जो कही मैंने तुम्हारी थी कहानी, जो सुनी उसमें तुम्ही तो थी बखानी, बात में तुम हो, सॉरी बात नहीं है, बात है, बात और वातावरण, बात मने हवा, बात में तुम हो तुम ही वातावरण में, स्वप्न में तुम हो तुम ही हो जागरण, स्वप्न में तुम हो तुम ही हो जागरण, इसके भी शब्द बहुत सुंदर है। अच्छा ये वाली जो कंपोजिशन है ये भी मेरी है, और साधो वाली जो हम लोग ने गाई थी वो गुरुजी की कंपोजिशन है, ठीक है। ध्यान है केवल तुम्हारी ओर जाता, ध्येय में मेरे नहीं कुछ और
और आता चित में तुम हो तुम ही हो चितवन में स्वप्न में तुम हो तुम ही हो जागरण रूप बन कर घूमता जो वो तुम ही हो राग बन कर गूंजता जो वो राग 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 बन कर गूंजता राग बन कर गूंजता जो वो तुम ही हो तुम नयन में हो तुम ही तुम नयन में हो तुम ही अंत है करण में तुम नयन में हो तुम ही अंत है करण में स्वप्न में तुम हो तुम ही हो जागरण में स्वप्न में तुम हो तुम ही हो जागरण में स्वप्न में तुम हो तुम ही हो जागरण में तुम ही प्रातः किरण में तुम ही वातावरण में तुम ही हो चेतवन में तुम ही हो जागरण हाँ लास्ट वाला छोड़ गया तुम ही अंतःकरण में स्वप्न में तुम हो तुम ही हो जागरण तुम ही हो जागरण तुम ही हो जागरण बहुत सुंदर मैम तालियां थैंक यू तालियां बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर कंपोजिशन भी बहुत अच्छी है लिरिक्स भी बहुत अच्छा है शब्द अच्छे रहते हैं तो कुछ अच्छा धुन भी बन जाती है ये भी बात है ना अच्छे अच्छे शब्द रहे तो उसका धुन अच्छा लगता है ऐसे ये बहुत सॉफ्ट पढ़ के लगा कि बहुत सॉफ्ट है तो इसका थोड़ा इसलिए सॉफ्ट धुन कोशिश की है बनाने की ये आपने गाया कि अच्छा है बहुत तभी अच्छा लग रहा था ज्यादा
इसको सब लोग तैयार कर लीजिएगा, मतलब ठीक है आज पांच हुए तो जरूरी नहीं कि पांचों सबको आ भी गया हो, लेकिन जिसको जिसको आ गया वो कर लीजिएगा, जितना आया हो उतना कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग चूंकि भेजी जाएगी, गीत वगैरह तो ये जरूरी नहीं कि बहुत बार सिखाए जाए, लेकिन हाँ रिवाइज करते रहना चाहिए क्योंकि शब्द नहीं तो बैठते नहीं है मुंह में। जैसे बहुत गाए, अगर ना गाए तो शब्द नहीं बैठेंगे, जैसे बंदिशों के शब्द तो हमारे कम होते हैं तो वो बैठ जाते हैं, उसके लिए उसका तालाब ताल सरगम ये सब प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन गाने के लिए कई बार करने पर शब्द बैठते हैं, शब्द थोड़ा कंठस्थ करना पड़ता है। तो कर लीजिएगा, खत्म करते हैं आज का वर्कशॉप, 8:15 बज गया, थोड़ी देर हो गई। धन्यवाद सबको, नमस्कार, प्रणाम, प्रणाम दीदी, थैंक यू दीदी, प्रणाम, प्रणाम मैम, नमस्ते, प्रणाम, 40 लोग थे हमारे साथ जुड़े हुए, वाह, प्रणाम मैम, नमस्ते मैम, गुड नाइट, नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, स्क्रीनशॉट कोई लिया है?